सो यार, इट्स अ सिक्स डे ऑफ द माय वाटर थेरेपी, जिसमें ओनली वाटर इनटेक करके आपको रहना होता है. एंड आज मॉर्निंग मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया था, सो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. एंड धीरे धीरे आई एम फीलिंग लाइट, एंड जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा, सो डॉक्टर ने बोला कि आपको और ज़्यादा लाइट फील होगा, एंड धीरे धीरे आपका जो थायराइड का इशू है वो भी सॉल्व होगा. सो आई होप मेरी ऐसी डाइट चलती रहे, क्योंकि बहुत भूख फील होती है, क्योंकि मैं कुकिंग का काम किसी और को नहीं देती हूँ, कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ पार्थ के लिए, बिकॉज बच्चों को किसी और का हाथ का बना हुआ फूड मुझे पसंद नहीं देना. ये बात अलग है, बाहर का खाना वगैरह होता है, बट जब प्रॉपर घर के मील की बात होती है तो मैं घर पे ही प्रॉपर पार्थ के लिए बनाना पसंद करती हूँ, बिकॉज उसको कैसे देना, क्या देना है, क्या चीज़ें दूँ जो उसको पसंद हो प्लस उसको फ़ायदा भी करे. तो मैं बहुत मिर्च मसाले वगैरह कुछ नहीं डालती, बहुत माइल्ड ऑयल में, बहुत कम मसाले में खाना बनाती हूँ उसका. और जब डिशेस भी कोई बनाती हूँ लाइक बाहर का, लाइक पाव भाजी बनाया, छोले भटूरे बनाया, उसके लिए कुछ भी बनाया, तो मैं बहुत ऑयल एंड ऑल सब चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, और ऐसी चीज़ें उसमें ऐड करती हूँ जो इजी टू डाइजेस्ट हो. मैदा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, भटूरे जो बनाती हूँ व्हीट फ्लार का बनाती हूँ, उसे मैदा बिल्कुल नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती है वो एज अ मदर मुझे लगता है कि मैं उसके लिए करती हूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद है. बाकी अगर वर्किंग है लेडी और तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको क्या है कि किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है या अपने पास कुछ हेल्पर्स वगैरह रखने पड़ते हैं. बट अगर एज ए मैं बोलूँ एज अ हाउस वाइफ, मैं प्रेफर करती हूँ कि हाँ चलो क्लीनिंग वगैरह बर्तन की हो गई या झाड़ू पोछा हो गया, ये सारी चीज़ें के लिए मेड अगर आपने रखी हो तो इट्स ओके. बट लेकिन फूड ऐसी चीज़ें जो बच्चों को अपने हाथ से सर्व करो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मदर के लिए भी सेटिस्फाइंग होता है और बच्चों को भी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है. तो मैं सोचती बच्चे आजकल बड़े हो जाते हैं, हॉस्टल वगैरह चल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्री चल जाते हैं, तो बच्चों को क्या है कि आप जो जो इस टाइम में खाना बना के खिलाते हो या तो उनको सिखा दो ताकि वो उनके पास टाइम कभी मिले तो वो ऐसा मील इंजॉय कर सकें बाहर भी. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिर जब तक बच्चे साथ में हैं तो मैं चाहती हूँ कि माँ के हाथ का खाना जो प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से बनता है और उसमें एक एक बातों का ध्यान रखा जाता है, बिकॉज अब वो ज़माना चला गया कि ये चीज़ ऐसे ही बनानी है. अब हमारे पास हर चीज़ के लिए ऑप्शन है, आप मैदा रिप्लेस कर सकते हो, ऑयल अपने ढंग से जो डालना वो डाल सकते हो, अच्छी से अच्छी चीज़ें डाल सकते हो, हर चीज़ ऑर्गेनिक आने लग गई है, अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर्स में परफेक्टली 100% ऑर्गेनिक स्टफ मिलते हैं. वेजिटेबल हो गया, वो डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ा दो, अनाज थोड़े कम कर दो, और फ्रूट्स अच्छे अच्छे आने लग गए हैं, हर वैरायटी के सीजनल फ्रूट्स दो किड्स को. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का जो ध्यान है वो बच्चे खुद से नहीं रखते, उनको तो जो दे दो वो खा लेते हैं आज के टाइम पे. और बाहर में तो जब जाते हैं तो ऐसा नहीं, अब बाहर पहले हमारे टाइम में जाते थे तो देसी फूड खाना प्रेफर करते थे, बट आज के बच्चे ओनली पिज्ज़ा पास्ता ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं. तो ऐसा मतलब मुझे लगता है कि जब घर पे खा रहे हो तो प्रॉपर ऐसी चीज़ें खाएं जो कि देसी भी हो, साथ में वेजिटेबल भी ढेर सारे जाएं और कम ऑयल में बनी हुई हो, उनको फ़ायदा करे. ऑयल में अगर फ्राइड भी करें तो ऑयल हमारे हिसाब से कोकोनट ऑयल हो. तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बात जो होती है वो एज अ मदर माँ ही समझ सकती है. फिर आजकल बच्चे 2 साल से जब से कोविड का टाइम है तब से घर पे हैं तो कंटिन्यू उनका वेट गेन हो रहा है. अब स्कूलें धीरे धीरे खुलेंगी, अभी जैसे पार्थ की स्कूल भी खुल गई है, बट बस उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है. जब तक बस स्टार्ट नहीं हो जाएगी मैं प्रेफर नहीं करूँगी भेजना, बिकॉज ये सारी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए. एज अ पेरेंट्स मैं सोचती हूँ कि सारे स्कूलों को देनी चाहिए फैसिलिटी. तो मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग. ये देखिए, मैंने बेवकूफ.com से पार्क के लिए सेट मंगवाया है, एंड इट्स वेरी नाइस कलर कॉम्बिनेशन. एंड ये कलर अभी कलर ऑफ द ईयर है, मैंने 2022 का ट्रेंडिंग कलर ये है. मैंने भी ट्रायल के लिए पहनाया, मैं इसके टैग्स हटाऊंगी. सो ये स्मॉल साइज मैंने पार्ट के लिए मंगाया है, एंड क्योंकि इसमें किड्स के जो साइज वगैरह, आई थिंक किड्स के पता नहीं उसमें आते हैं कि नहीं इस टाइप के सेट, लेकिन एडल्ट्स में मैन में आते हैं, ये यूनिसेक्स टाइप है ये. तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग है,
एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पार्क के ऊपर। तो इस टाइप के सेट इसमें बेवकूफ में कभी कभी आते रहते हैं और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो ये कलर बहुत ही डिसेंट लग रहा था तो मैंने पार्क लिए ऑर्डर किया था एंड परफेक्टली फिट हुआ। थोड़ी सी स्लीव से बड़ा है बट आई थिंक फिटिंग वाइज ठीक है ये पार्क। आपको पसंद आया? देखो, चेक करो मिरर में देख के बताओ कैसा लगा आपको कलर एंड ऑल। सीरियसली आपने तो मुझे डांट रहे थे, मामा आपने ये कलर क्यों लिया। बट इस ट्रेंडिंग पार्क, ये कलर ऑफ द ईयर है, यू नो। क्या सरप्राइज लाए हो मम्मी? एक प्यारा सा स्नैक्स कर मंगाया था मैंने आपके लिए आज। क्यों? हेल्दी नहीं है ना? हेल्दी है, जो खुशी दीदी लाके देती है हमेशा, एंड यू लाइक दैट। समझ में आ गया, मोती वाला लड्डू लाया हाँ, कौन सा लड्डू लेंगे? मोती चूर नहीं, दैट्स नॉट मोती चूर लड्डू बेटा। वो सेब का लड्डू? नहीं, सेब का लड्डू भी नहीं, वो ममरा का लड्डू। ममरा हमेशा नाम भूलने की आदत क्यों लगी है? सूर्यवंशी जैसे नहीं, आप सूर्यवंशी जैसे नहीं हो गए क्योंकि वो रेगुलर चीज नहीं है ना, आप कभी कभी खाते हो इसलिए आप नाम भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भूलने की आदत है। चलो सोप से हैंड वॉश कर लो, मैं वाटर देती हूँ आपको। नहीं, मैं ले लो। गुड इवनिंग एवरीवन, और अभी सूर्य ऑर्गेनिक से मेरी डिलीवरी आई थी तो मुझे आपके साथ ये शेयर करना था। जो ये ममरा होता है, मतलब हमारे साइड में इसको बोलते हैं मूढ़ी भी बोलते हैं, और इसके लड्डू जो है विंटर्स में बहुत बनते हैं। गुड़ बेस्ड होता है इसमें, ऑर्गेनिक जैगरी, ऑर्गेनिक पफ्ड राइस। तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, की इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं है। एंड ये हैंडमेड है, एंड ये पैक्स मैंने मंगवाए हैं मेरे घर में, इसको बहुत पसंद है सबको। तो मैंने एक पैक खोला है और मैंने एक जार ये पूरा भर दिया है ये देखिए, और इसको मैं डाइनिंग एरिया में रख दूँगी ताकि जब भी स्वीट खाने की क्रेविंग्स हो या शाम को स्नैक्स टाइम हो तो ये बहुत अच्छा रहता है, लाइट भी रहता है और किड्स को, एडल्ट्स को, सबको पसंद आता है। प्लस ये पास्ता मैंने मंगाया था, एंड मैंने ममरा लड्डू को बहुत सारा पैक मंगा दिया ताकि टिफ़िन में किसी को ले जाना हो या घूमते फिरते तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत लाइट होता है। और मैंने ये राइस एंड दाल ये एक्स्ट्रा मंगा के रखी फिनिश होने से पहले। और मैंने कोकोनट ऑयल भी मंगाया था, आई डोंट नो किधर रखा है। तो कोकोनट ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पैकिंग, देखिए कुछ इस तरह से इनका कोकोनट ऑयल आता है। तो मैं फ्राई करने के लिए भी यही यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ फ्राई आइटम बनाना होता है, फ्राइड फूड। और जो हम मट्ठी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मैं थोड़ा घी भी डालती हूँ, थोड़ा ये ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ऐड करती हूँ। और मट्ठी वगैरह मैं इसमें ही फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड मुझे शेयर करना था, मैंने अमेज़ॉन से ये मंगवाया था मेरे लिए, ये देखिए, ये किचन का किचन टिश्यू रोल होता है ना, इसको रखने के लिए मैंने ये वुडन का मंगाया था। मुझे बहुत दिन से लेना था कुछ टिश्यू रोल के लिए, बिकॉज पहले मेरे पास 3 का सेट था ऐसे वॉल पे लगाने वाला, उसमें प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल एंड ये टिश्यू रोल लगाने का ऑप्शन था, लेकिन अब मैं प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल दोनों यूज़ नहीं करती, मैंने बंद कर दिया यूज़ करना, ओनली ये वाला यूज़ करती हूँ। बिकॉज फ्राइड फूड या कुछ भी बनाओ तो एक्सेस ऑयल निकालने के लिए बहुत यूज़ आता है ये। और किचन टॉवल वगैरह अगर नहीं मिल रहा हो तो इमरजेंसी में ये बहुत यूज़ आता है कुछ पोछने के लिए। तो ये बहुत ही क्यूट सा मैंने अमेज़ोन से लिया था, तो एक ये लिया मैंने। और इसमें ये नीचे से खुलता भी है, यहाँ से अलग हो जाता है, और इसका काफ़ी अच्छा ये देखिए हर्ट शेप का ये है, ये इसको होल्ड किए रहता है ऐसे, काफ़ी नेचुरल चीज़ लगी मुझे देखने में, मतलब वुडन है, नेचुरल है। एंड सेकंड थिंग, मैंने ये मंगवाई थी, मैट मंगवाई थी किचन के लिए, ये भी वुड का बेस का है, तो इसके ऊपर भी कुछ गर्म रखना हो तो आप रख सकते हो इस टाइप से। एंड आज डिलीवरी अमेज़ॉन से ये वाली आई थी, दो आइटम आए, ये पिलर है डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें अलग अलग शेप के पिल होता है, आपका कैरेट हो गया या जुकीनी हो गया या खीरा वगैरह, कोई भी आपको सैलेड में पतला पतला लंबा जूलियंस बोलते हैं,
वो ऐसा कट करना हो तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ करूँगी तो आपको रिव्यू दूंगी। एंड ये स्पाइरल जैसे कट करके निकलता है, इसमें कुछ भी आप डाल दो तो उसको ऐसे ऐसे करके रोटेट करोगे तो इसमें से स्पाइरल जैसे सारे कैरेट वगैरह ये सब निकलता है। तो बहुत ईजी रहता है आपको जो भी चाहिए फ्रेश सैलेड में डालने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने ये दो न्यू गैजेट्स किचन के लिए मंगाया। तो ये दोनों बहुत यूज़फुल हैं। और मैंने आपको वैरायटी चाहिए बिकॉज़ आजकल वेजीज का ज़्यादा टाइम है, बच्चों को वेजीज देना है, सबको वेजीज ज़्यादा खाना चाहिए अपने डाइट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप वेजीज को डिफरेंट टाइप से कट करके प्रेजेंट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये दो चीज़ें मंगाई थी। एंड आई डोंट नो ये कैप कैसे लगती है, मुझे देखना पड़ेगा, या ऐसे ही ये कैप दी हुई है, मुझे आइडिया नहीं है। या ओके, इसमें वो लगाने के लिए, इसमें जो भी आप स्टफ आप इसमें करने वाले हो स्पाइरल के लिए, कैरेट या जो भी ले रहे हो, तो आपको इसमें ऐसे यहाँ पे स्टक कर देना है और फिर घुमाना है ताकि आपका हैंड ना यूज़ हो डायरेक्टली, ये कैप से आपको करना है। ओके, गॉट इट। मैंने कहा इसमें फिट नहीं हो रहा, तो ये दो चीज़ें मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से। और बहुत एक दो दिन में ही डिलीवरी आ गई, बहुत फास्ट डिलीवरी थी। और इसमें 3 तरह के कट्स होते हैं, और मैं अगर जब भी करूँगी तो मैं वीडियो में आपको शो करूँगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो मैंने शेयर नहीं किया था बिकॉज आज कोई डिलीवरी आई, और जैसे ये वाली डिलीवरी मेरी आ गई थी 1 वीक पहले, क्योंकि मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, इसको आने में बहुत टाइम लगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी किचन के लिए हमें अपडेट करते रहते हैं, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में। चलिए कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। तो मैं फाइनली ये सारे सामान रखती हूँ और मैं एंड करती हूँ व्लॉग। मेरा व्लॉग थोड़ा डिले होगा आने में, बट मैं जब भी टाइम मिलता है शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।